लॉकडाउन से बच्चों के लिए ना दूध वगैरह के लिए पैसे नहीं है, राशन पानी नहीं है, जो ना जब था तो भरा लिया वो ख़त्म हो गया। यहाँ से 3 बार गाड़ी निकल चुकी है लेकिन एक बार भी नहीं मिला। बोल रहे कि पक्के मकान है, अब गाड़ी चलाते हैं, पक्के मकान तो पुराने हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। पुरखों के बने हुए हैं, हमारे ने तो नहीं बनाए हैं। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है आपको? अब चाय दूध की है, आटे की है, सब की है, ये बताओ। तो मैडम भारती श्रीवास्तव आपके वार्ड पार्षद, हाँ, उनसे बोला था तो बोला पक्के मकान है। अभी भी वो पहचान पत्र वाले भैया भी आए, उनसे भी बोली भैया तुम 3 बार लिख के गए हैं, कहना देखो लिस्ट में नाम लिख के नहीं है, देखे गए, बोले कि तुम्हारे पक्के मकान है इसलिए नहीं आया है। अब बता पक्के मकान है तो क्या मकानों को खाएंगे हम? है गाड़ी हमारी खड़ी है जब इसे, अब क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं। जगह कौन सी जगह है? चांद बावड़ी केसरगंज। आपका नाम? बेबी। आपका नाम? बेबी। जब से लॉकडाउन चला है तब से बहुत परेशानी हो रही है, खाना पीना, ये बच्चे रोते करते हैं, दूध वूध की परेशानी है, कुछ चीज़ लेके जाना है, ठेला चलाते हैं हमारे तो ठेला भी बंद पड़ा है। आपके पार्षद भारती जी है, उनको कहा कभी आपने? कहा था, वो कोई ऑफिस नहीं उठाती हैं, बोलती नहीं है। ये बोलती है कि आपके मकान है, अब हम मकानों को खाएंगे या खाना खाएंगे? क्या ऐसे कहती मैडम? यही बोलते हैं। आप कितनी परेशानी हुई, कितने जन है, क्या होगा? फैमिली 6 फैमिली है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ये तो ठेला चलाते हैं, ठेला बंद है। ठेला बंद पड़ा है तो गृहस्थी कैसे चल रही है आपकी? अब यही है, क्या करें, जो पैसा था वो खा रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा फिर क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं है, अब परेशानी चल रही है हमको। आपका नाम? पूनम। देखिए पहले तो मैं आप मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि किसी भी पार्षद की छवि खराब करने से पहले जनता की इंक्वायरी करी जाए कि वास्तव में जनता को हम क्या कह रहे हैं, जनता के पास क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि सरकार जिस तरह से आज कर रही है, मैं कहना चाहूँगी इस मीडिया के माध्यम से कांग्रेस सरकार और प्रशासन जिस कदर जनता की इस तरह खिल्लियाँ उड़ा रहा है, ये 200 रुपये का सामान देकर गली गली में BLO जा रहे हैं, अपनी मर्जी से वहाँ पर जाकर लिस्ट बनाकर आ रहे हैं। जिनकी रेलवे की पेंशन है उनको भी उन्होंने सामान दिया, मैं प्रूफ दे सकती हूँ, मेरे वार्ड नंबर ये जो भाग संख्या है इसमें चांदबावड़ी एरिया में, और जिनकी पेंशन आ रही है उनको भी वो दे के जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सबूत इस चीज़ का है। हम पार्षदों को उन्होंने ये नहीं बताया है कि कहाँ पे BLO कौन सी लिस्ट किस जगह बना रहा है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो अपने वार्ड में रहता है उसको पता होता है कि वास्तव में किस व्यक्ति को ज़रूरत है। पहला तो ये कि प्रशासन ने BLO को फिर से मैदान में उतार दिया है, खाली 20 किट देके, जहां पर 200 लोग रह रहे हैं मात्र 20 किट दिए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मोदी सरकार सहायता कर रही है, आज हमारे MLA कोटे दोनों दक्षिण और उत्तर विधायक और हम पार्षद के कोटे से जिस तरह से हम लोगों ने सामान दिया है, सामग्री दी है, यहाँ तक मेरे वार्ड में जहाँ तक आ चुकी मैं आपको इस चीज़ के लिए बता सकी हूँ। और जो व्यक्ति यहाँ बोल रहा है उसको मैंने मेरी पर्सनल चुपचाप में सामान दिया है, और आप फिर मीडिया में बुलवा सकते हो, ना मेरा कोई डर है ना बह किसी को। कह रहे आपने पक्के पक्के घर बने हुए उनको मना कर दिया, आपके पक्के घर हम आपको सामान नहीं देंगे, आपका कहना क्या है? यहाँ आपको जिसने भी कहा हो कि पक्के घर बने हैं या किसी की मैंने रजिस्ट्री देखी हो, तो ऐसा तो शायद मेरा अजमेर शहर में मेरा ऐसा नहीं है। जिसने भी कहा हो आप सामने लाओ, मीडिया सामने, मैं सामने और पब्लिक सामने, मैं ऐसा कहने से पहले ही देखूंगी, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट मिल रही है, सरकारी पेंशन मिल रही है, उनको भी लोग देखे जा रहे हैं। तो ये BLO की, प्रशासन की और इस कांग्रेस सरकार की खामियाजी हम जनता को, पार्षदों को भुगतनी पड़ रही है। तो ऐसी सरकार, नकारा सरकार, आज अगर हम भामाशाह लोग या जनप्रतिनिधि इस जनता को नहीं संभालते तो शायद जनता रोड पर आ जाती, क्योंकि त्राई त्राई मची हुई है इस कोरोना बीमारी के ऊपर। एक तो लोग पहले ही परेशान है, कमाने नहीं जा पा रहे हैं। आज मैं स्वयं अपने घर से भोजन सुबह और शाम दोनों बना रही हूँ, सबको कह रखा है गीला खाना बना हुआ जिसको चाहिए मेरे घर से आके ले लो, लेकिन लोग अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। सरकार की वास्तव में जो खामियां जिस तरह की वो गिना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन को भी ये चीज़ नहीं दिखानी है और सरकार तो देख ही रहे हो आप लोग क्या कर रही है। मैडम इनका कहना ये भी है कि आप राशन बेच रहे हैं, जिसने भी कहा है कि राशन मैं बेच रही हूँ तो मैं बता दूं आप मीडिया को, भारती श्रीवास्तव एक साफ सुथरी छवि की औरत है, वो इस तरह दे रही है कि जैसे 300 रुपये का आटे का कट्टा है, मैं अपने पास से 100 रुपये लगाकर 200 रुपये में मात्र दे रही हूँ। 5 किलो आटा इनके पास, इनके स्वाभिमान से ये खुद खरीद के ले जा रहे हैं, 5 किलो आटा मेरी तरफ से फ्री जा रहा है। आज शक्कर में 42 रुपये किलो, 40 रुपये किलो जो अपने पास से 30 रुपये किलो दे रही हूँ, तो क्या ऊपर का पैसा क्या कांग्रेस सरकार दे रही है? मैं अपनी जेब से दे रही हूँ,
और उसके बाद चाय की पत्ती जो कि बाजार में 60 रुपए की मात्र 50 रुपए में दे रही हूँ, ये इनसे पूछ लो। अगर कोई कहता हो कि किसी से चवन्नी भी लियो तो मीडिया वाले जो चाहेंगे मैं कर दूंगी, और अपना कोई भी पद मेरा होगा, क्योंकि भाजपा सरकार के ना तो पार्षद फ्रॉड है और ना कोई और है। तो इस चीज़ का मैं आपसे प्रूफ मांगना चाहती हूँ कि किसको मैंने सामान बेचा है, और नहीं तो उसके भरे चौराहे पे मैं जूते मारूंगी। कहने वाली चाहे कोई जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, ठोक बजा के काम करती हूँ और खरा सोने की तरह रहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भारती श्रीवास्तव, शहर जिला मंत्री वार्ड 12 से। यहाँ